असेंबलियां जो दो हुकूमतें मोहतरम इमरान खान साहब की थी, क्यों उसको तोड़वाया? पता नहीं था कि राना सनाउल्ला कैसा है और ये कैसे आते हैं ये लोग? ये लोग कानून और आइन को मानते हैं तो फिर क्यों बाहर आया? और अजियत सारी अपने आप पे भी अजियत डाली है, अपने पार्टी वर्कर्स पे भी 150 केस करवाया हुआ है, कौम सारी भी एक कर्ब और अजियत में मुबतला है। मुस्लिम लीग नून है, ये हमेशा यही करती है, अदालत को आपस में जो है लड़ाती है, दोलख करती है, और जो कुछ करती है मुस्लिम लीग नून आपने देखा है, मुझे दोहराने की जरूरत बिल्कुल सर। बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ इनको भी अदलिया को भी चाहिए अपने मामलात को ठीक करें और इस तरह पब्लिकली ये इख्तलाफात नहीं सामने आने। अच्छा सर काइंडली लास्ट सवाल है, अब खान साहब तो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था राणा सनाउल्ला तक का, क्या उनको नहीं पता था शहबाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नून का? क्या पीपल्स पार्टी को नहीं पता था मुस्लिम लीग नून का, राणा सनाउल्ला का, कि या इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, अदलिया पर तनकीद करते हैं, आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर भी आप उनके साथ मिल बैठे? नहीं नहीं, देखें राणा सनाउल्ला ने तो खाना जंगी की तरफ जो है उसने तो कह दिया या तुम हो या हम है, उसने तो धमकी दे दी है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। इसका मुआवजा कौन करेगा? ये आवाम करेगी। मैं समझता हूँ इलेक्शंस होने दें, इनको पता चल जाएगा जिस रौनत से इन्होंने इस तरह के जो है बयान दिए, और जो ये जबान माशाल्लाह फरमुदात है इनके, ज़रा सुनिएगा, ये तहजीब और इखलाकियात की तो धज्जियाँ उड़ाई ही उड़ाई हैं, लेकिन जो इन्होंने मुनाफरत के बीज बो दिए, सियासत में एक नफरत लेके खड़ी कर दें, जबान अबर चोर डाकू आप कहते हुए तकते हैं, तो फिर जवाब है आ गज़ल वो भी यही कुछ कर रहे हैं, तो खुदा रा बस कर दीजिएगा, सीज फायर करें और बैठ कर अपना मुल्क में अमन बहाल हो, इसलिए नहीं तो किसके ऊपर कौन कर रहा है? हु इज प्लेइंग द शॉट्स? इट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो अगर कोई जिम्मेवार है तो वो शहबाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नवाज है या पीडीएम है, अकेले जाहिर है हुकूमत। देखें बात सुने, हमेशा प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट है, कैबिनेट की कोई हैसियत नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है तो सारी काबीना जाती है, इट इज दी प्राइम मिनिस्टर प्राइमरली जिसकी सारी जिम्मेवारी होती है, सो ही प्लेज द शॉट्स एंड ही हैज टू फेस द म्यूजिक एज वेल। पीडीएम का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी छोड़ दे तो वो तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे सर। ये अगर सीईसी का जब इजलास होगा हम अपनी अपनी राय देंगे, जो फैसला होगा फिर देख लेंगे। पार्टी मैं पार्टी हूँ भाई, किस पार्टी की बात कर रहे हो? मैं पार्टी हूँ, कमेटी का हिस्सा है जो कि हुकूमत में नहीं है। हाँ तो तीन पीस जो है, मैं सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, उसी का शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो चेयरमैन था, फाउंडर था, फादर, उसी का जो है नुसरत भुट्टो साहब चेयरपर्सन थी, उसी की रानी शहीद बेनजीर भुट्टो थी, और उसी का मैं सेक्रेटरी जनरल था। पार्टी तो सलवार हमारा सिंबल था, हम तो ना हुकूमत का हिस्सा है ना पीडीएम। अगर मुतालबा किया है तो उसका फैसला जो है अदालत करेगी। तो फिर राय क्या, फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं? देखे मेरी अगर जाती राय देखें तो ये इशू ऐसा है जिसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, लेकिन ये चीफ जस्टिस का जवाबदीद है, इसमें मैं उनका इस्तदा करने में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन फैसला करना चीफ जस्टिस का काम है। अगर तो मकसद ये है कि इसको मौखर करके इसको जो है इल्तवा में डाला जाए और खूब खाते सुटिया जावे इस मामले को ताकि ये दफन हो जाए, तो वो गलत है। मैं समझता हूँ आज ही इस चीज़ का भी फैसला होना चाहिए, एक दो दिनों में फैसला करें ताकि 90 दिन की कदगन जो आइन में है, आइन को जो है मुनहदिम नहीं होना चाहिए। आइन है तो पाकिस्तान की जो है आपस में इलहाक भी है और पाकिस्तान कायम और दायम है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा तादवाम कायम और दायम रहेगा, इसी में इसकी तरक्की मुजमर है। और अवाम को जो जब तक आप जो है हकूक नहीं देंगे और वो आइन में मुतय्यन शुदा है, आइन में रियासत का तारीफ अवाम है, अवाम की बात करता कोई नहीं है। यहाँ इख्तदार की जंग कशी में जो है एक दूसरे को जो है लताड़ चढ़ाव कर रहे हैं कि फुल बेंच हो और फलानी बेंच हो, भाई आइन बड़ा वाजे है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाजे है। मैं समझता हूँ इसको तो इसी हफ्ते में फैसला हो जाना चाहिए, और उसको सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले को नाफिज नहीं करती तो खुदा खाकम बदहन, पहले भी हमने देखा दो मुल्क को दो लख्त। एक तरफ बात आपने भी कहा कि वो लल्ले तलल्ले और गिरफ्तारी का भी इम्कान है अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती है, तो क्या आप समझते हैं कि उनको हक नहीं है? का मैंने नहीं कहा किसी का गिरफ्तारी का, हाँ तो ही अदालत में तो जाहिर है कि वो, मैंने ये नहीं कहा। क्या उनको हक नहीं है कि वो इख्तलाफ अपना बेंच से भी रखे और चीफ जस्टिस को इस्तदा करें? इस्तदा करने में कोई हर्ज नहीं, कोई मुजायका नहीं, मैंने कब कहा इस्तदा करें, लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने जो है सुप्रीम कोर्ट से यहाँ फैसला लेने के बाद
सदर पाकिस्तान से कंसल्टेशन के बाद 30 अप्रैल की जो है तारीख दी और उस तारीख को मौखर किया 8 अक्टूबर में, जिसका इलेक्शन कमीशन को अख्तियार ही नहीं है, क्योंकि 10 दफ़ा इलेक्शन कमीशन यहाँ भी और हाईकोर्ट लाहौर में और पेशावर में कह चुकी है कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में है ही नहीं, ये बार बार कह चुके हैं। तो फिर कैसे आपने तारीख दे दी 8 अक्टूबर की, जब आप खुद कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में कि हमने नहीं देना, और उसकी तशरीह जो है आईन की करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सदर पाकिस्तान देंगे जहां पंजाब की हद तक है और केपीके की हद तक जो है गवर्नर आर्टिकल 105 में वो तारीख देगा। तो ये तो कोई इबहाम है ही नहीं। और जो ये इन्होंने बहाने डाले हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अस्करी वो वाफर नहीं है, हमारे पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी नहीं दे सकते, हम जो है जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें पहले कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसका इहाता करते हुए सभी को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन जो भी ज़रूरत होगी, वजारत ख़जाना को हुक्म हुआ वो उसकी ताबे है, वजारत कानून को कहा रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स दें, वजारत दाखला को कहा गया कि जो भी इनको पुलिस फोर्स की ज़रूरत है वो भी दें, और वजारत दिफा को कहा गया कि जो भी इनको रेंजर्स वगैरह की ज़रूरत हो अमन-ए-आमा के लिए इलेक्शन कमीशन के ताबे होना चाहिए। तो ये तो कोई इबहाम नहीं है, इसमें तो तौहीन अदालत वाज़ेह है। भले आज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे अपने फैसले को अमल दरामद करवाती है या वो कौम की एक सेवियर बनती है, आइन को बचाती है, इस मुल्क को मजबूत करती है, या अपने फैसले से जो है पीछे हटती है, तो फिर तो बनाना रिपब्लिक बनने से कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान। सरदारी साहब, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए पार्लियामेंट फौरन पहुंचे, इस आइनी मामले पर खामोश क्यों आए? ये जरदारी साहब, देखें जरदारी साहब काबीना का हिस्सा नहीं है, ये काबीना के साहब भी चलो पहुंचे थे, बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, खामोशी क्यों ना, डिफेंस मिनिस्टर है ना, जो है बिलावल सियासत करने का इरादा है इसलिए खामोशी है, सियासत तो वो पहले ही कर रहे हैं भाई, इस मामले को पॉलिटिसाइज करने का। देखा आप इमरान खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए? देखिए मैं समझता हूँ सभी को, सिर्फ इमरान खान को नहीं है, सभी को अपनी इनाज जो है वो छोड़नी चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए। अवाम कसम पुरसी में है, मुल्क जो है इस वक्त हिचकोले खा रहा है, IMF आपको आंखें दिखा रही है, आपको पैसा नहीं दे रही है, आपके बिल्कुल गंभीर मसाइल हैं, इसमें कोई शायबा नहीं है, कोई शक नहीं है, इकतदार की जंग से नीचे उतर आए और मुल्क और अवाम के लिए सोचें। आप खान साहब को तो कह रहे हैं सर, नहीं ये तो बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ मेरे सारे कोई 5-7 दिहाइयों से मेरा अदालती उससे अमल से ताल्लुक है, उसने को अच्छे का देखें बात सुने, मैं को किसी की हक में और किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त इत्तेहाद की, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि सियासतदान अपने मामलात जो है मिल बैठ कर तय करें और इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि अवाम जो है एक मुस्तकिल हुकूमत जो है मजबूत हुकूमत लेके आएँ और